राज्य के कोशिश करते हैं कि किसानों के जख्मों पे नमक डालने का। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में 6 किसानों ने आत्महत्या की। जब मीडिया ने उनको पूछा तो कहते कि भाई ये तो होते रहता है। कृषि मंत्री का वक्तव्य को लेकर आज विधानसभा में आवाज उठाई जाएंगी। निश्चित करो यानी शेतकऱ्यांची माफी मागितली पाहिजे आणि सरकार शेतकऱ्याला या आसमानी संकटामध्ये जे झालेले नुकसान चना कापूस कांदा धान ज्वारी याचं तातडीनं मदत देण्याच्या बद्दलची भूमिका सरकारने तातडीनं जाहीर करावी अशी भूमिका आज आम्ही विधानसभेत मांडणार आहोत। आज नासिक से मुंबई तक किसानों की एक भव्य मोर्चा महाराष्ट्र विधानसभा पे आ रहा है। महाराष्ट्र में जैसे केंद्र सरकार के गलत किसान नीतियों की वजह से और राज्य की सुल्तानी जो सरकार है वो सरकार के गलत नीतियों के वजह से महाराष्ट्र में एक बड़े पैमाने में किसानों की आत्महत्या हो रही। आसमानी संकट आया उसमें किसानों को मदद की गई नहीं। राज्य के कोशिश करते हैं कि किसानों के जख्मों पे नमक डालने का। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में 6 किसानों ने आत्महत्या की। जब मीडिया ने उनको पूछा तो कहते कि भाई ये तो होते रहता है। इसका मतलब यह है कि राज्य की सरकार को और केंद्र की नरेंद्र मोदी के सरकार को किसानों की व्यवस्था वो बनाते जा रहे हैं। आसमानी संकट में आज भी फिर प्याज हो कपास हो चना हो तुअल हो धान हो ज्वार हो फल हो या सब्जी हो आज भी किसानों को मदद दी गई नहीं। किसानों का प्याज खरीदा नहीं जा रहा, किसानों का कपास खरीदा नहीं जा रहा और इसलिए किसानों की बड़े पैमाने में आत्महत्या बढ़ते जा रही है। कृषि मंत्री का वक्तव्य को लेकर आज विधानसभा में आवाज उठाई जाएंगी और उसका सवाल सरकार से पूछकर किसानों को आप मदद कब देंगे, प्याज और कपास खरीदने की क्या सरकार की व्यवस्था सरकार ने बनाई है, इसका सवाल हम आज विधानसभा में सरकार से करेंगे।